hello my dear students in this session we are going to take up a di set from ift 2014 based on tables so there are total three tables and the information given is that bhuvaneshwar chennai kanyakumari kochi mumbai and vizag are six major indian cities for some reasons people use only a certain mode of transport between a pair of cities and then the modes of transport are provided in table 1 so table 1 here

शिप इज द रूट और कोची से चेन्नई के लिए भी शिप ही रूट होगा ठीक है फ्रॉम चेन्नई टू कोची शिप इज द रूट ठीक है और फ्रॉम चेन्नई फ्रॉम कोची टू चेन्नई दैट इज ऑल्सो शिप ठीक है तो एक ही इंफॉर्मेशन एक्चुअल में दो जगह है बिकॉज सिटीज uh, तो हमारी कोची और चेन्नई है ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो दैट इज वाई एक ही इंफॉर्मेशन दो जगह दिया हुआ है क्या है बात समझ में आती है ठीक है तो अगर हम एक साइड का इंफॉर्मेशन भी रीड करेंगे तो हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा टोटल सिक्स सिटीज है सिक्स टू फिफ्टीन केसेस बनेंगे फिफ्टीन केसेस बनेंगे और फिफ्टीन केसेस सारे के सारे एक साइड में ही मिल जाने वाले हैं ठीक है फिर हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज अगेन उसमें भी सिमिलर इंफॉर्मेशन होगा कि चेन्नई से भुवनेश्वर का डिस्टेंस नाइन फिफ्टी और वही सेम यहां पे भी दिया हुआ है ठीक है तो एक साइड से हम पूरा इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं बट जरूरत पड़ेगी तो दूसरे साइड का भी यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कैसा है ठीक है तो कंफर्टेबल कई बार रीडिंग के लिए होता है दोनों साइड देना <coughs> रीडिंग के लिए कंफर्टेबल बट इंफॉर्मेशन सारी की सारी रिपीटेड होगी ये टेबल में ये चीज समझ में आना चाहिए ठीक है और फिर लास्ट में हमको थर्ड टेबल जो दिया है उसमें दिया है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट फॉर एयरप्लेन द स्पीड इज किलोमीटर पर आर में सिक्सटी कि, किलोमीटर पर आर का स्पीड है और कॉस्ट पर किलोमीटर इज फाइव रुपीज और बस द स्पीड इज फोर्टी एंड कॉस्ट इज टू रुपीज और शिप द स्पीड इज थर्टी एंड कॉस्ट इज वन पॉइंट फाइव एंड फॉर द ट्रेन

डिस्टेंस इज नाइन फिफ्टी और बस का स्पीड है फोर्टी तो टाइम टेकन विल भी नाइन फिफ्टी बाई फोर्टी मुंबई से कन्याकुमारी टाइम टेकनवल भी नाइन फिफ्टी डिवाइड बाई फोर्टी विच विल अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आर से थोड़ा सा कम होगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव टू बी एक्जेक्ट सेकेंड इज भुवनेश्वर टू चेन्नई भुवनेश्वर टू चेन्नई बाई शिप डिस्टेंस इज नाइन फिफ्टी और शिप का स्पीड है थर्टी नाइन फिफ्टी बाई थर्टी टाइम डेफिनेटली हाई होगा सेम डिस्टेंस है जितना मुंबई कन्याकुमारी था बट शिप से जा रहे टाइम ज्यादा होगा यानी कि ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता चेन्नई टू तो कोची चेन्नई टू तो कोची इज बाय शिप डिस्टेंस इज 901 901 बाय 30 ठीक है क्योंकि 950 बाय 40 हमने किया है तो अगर हमारा डिस्टेंस यहां पे 700 से कम होता तो शायद तब फिर कंपैरेबल वैल्यू बनती ट नाइन जीरो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा अपना एक्जैक्ट वेन्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है और फिर लास्ट ऑप्शन है अपना मुंबई टू चेन्नई चेन्नई टू मुंबई इज वाई शिप डिस्टेंस इज वन थाउजेंड अगेन वन थाउजेंड बाई थर्टी डज नॉट मेक सेंस ये भी हाई ही होगा तो ऑप्शन ए इज क्लियरली द आंसर क्लियर है ऑप्शन ए विल द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर

कम है बस के केस में तो बस भी चलेगा ठीक है सो so, मुंबई से कोची जाना है ओके और वाया कौन से रूट जाएगा तो so, मुंबई का दिस इज द डेस्टिनेशन मुंबई दिस इज कोची ठीक है डेस्टिनेशन ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है ओरिजिन कहीं से भी कहीं का देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर में सेम ही है कहानी ठीक है सो so, अगर मुंबई से हम ऑब्जर्व करें तो मुंबई से शिप से चेन्नई जा सकते हैं शिप इज द चीपेस्ट देन बस से भुवनेश्वर जा सकते हैं

तो मुंबई से कोची बाय चेन्नई विलो वन इन टू वन पॉइंट फाइव दिस अगर मुंबई से भुवनेश्वर होकर कोची जाते हैं तो मुंबई टू भुवने बस डिटेंस इज सेवन जीरोन सो दिस विल करने की जरूरत है दिस विल डेफिनेटली हाइयर ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा अपना

दिस इज 2,500, तो so, यही डिस्टेंस हमारा 2,500 थाउजेंड यही आ गया जबकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा 1901 नाइन जीरो वन प्लस नाइन फिफ्टी यानी कि टू एट फाइव वन पॉइंट फाइव जीरो दिस विल बी द कॉस्ट मुंबई टू चेन्नई वाया कोची मुंबई टू कोची वाया चेन्नई ठीक है और यहाँ पे मुंबई टू विजाक का ही कॉस्ट टू आ गया प्लस विजाक टू कोची जाएंगे so costly, so, तो दट इज वा एयरप्लेन दैट इज ऑल्सो बायोप्लेन दट विल ऑल्सो भी कॉस्टली सिक्स हंड्रेड तो ये तो कॉस्ट आएगा हमारा डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस इज क्लियर ठीक है क्वेश्चन नंबर अ स्कूल इन चेन्नई इज प्लानिंग फॉर एन एक्सर्शन टूर फॉर इट्स स्टूडेंट्स दे वॉन्ट टू शो देम कन्याकुमारी विजाग एंड भुवनेश्वर नॉट नेसरली इन द सेम ऑर्डर इज द मिनिमम ट्रेवल कॉस्ट द स्कूल शुड चार्ज फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट फॉर द इंटायर टूर पर्पज है हमारा मिनिमम ट्रेवल कॉस्ट और जब भी कभी मिनिमम ट्रेवल कॉस्ट का ऑप्शन होगा तो हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि फोर थ्री डबल जीरो इज द मिनिमम आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जीरो अचीव किया जा सकता है क्योंकि हम जो भी कुछ ना कुछ हम रूट सेलेक्ट करेंगे ठीक है अगर उस रूट के लिए वैल्यू हमारा मिनिमम कॉस्ट का कॉस्ट का वैल्यू अगर हमारा फोर से ज्यादा आ रहा है तो हमको फिर ट्राई करना पड़ेगा कि फोर थ्री डबल जीरो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है ठीक है बिकॉज मिनिमम हमारा टारगेट है ठीक है अब यहां पे चेन्नई से जाना है अल्टीमेटली चेन्नई से जाना है तीन लोकेशन से कन्याकुमारी विजाग एंड भुवनेश्वर और अल्टीमेटली लौट के भी चेन्नई आना है क्योंकि टोटल कॉस्ट फॉर एन एंटायर टूर पूछ रहा है ठीक है अब इफ वी ऑब्जर्व कॉलम ऑफ चेन्नई सबसे मिनिमम कॉस्ट कब होगा जबकि या तो शिप से जाए या डिस्टेंस मिनिमम हो तो शिप से चेन्नई से भुवनेश्वर जा सकते हैं और कोची और मुंबई बट अल्टीमेटली हमें कहां जाना है हमारी जो लोकेशंस है उनमें कोची या मुंबई तो है नहीं अवर लोकेशंस आर इधर भुवनेश्वर कन्याकुमारी एंड विजेट तो भुवनेश्वर से बाय शिप जाया जा सकता है डिस्टेंस नाइन फिफ्टी और चेन्नई टू कन्याकुमारी डिस्टेंस ट्रिपल नाइन एंड चेन्नई विजाक डिस्टेंस इज थ्री हंड्रेड तो डिस्टेंस तो मिनिमम आ रही है विजाक के लिए और विजाक जाने के लिए भी ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है तो विजाक का कॉस्ट विल ऑल्सो नॉट बी वेरी हाई हंड्रेड सो ठीक है सो so, चेन्नई से विजाक इज ऑल्सो चीप चीप चाहे चेन्नई से विजाक जाए विजाक से चेन्नई लौटे सिमिलरली चेन्नई टू भुवनेश्वर इज ऑल्सो चीप सिंस वी द रूट इज वायर शिप आइडियली इट शुड बी और फिर कन्याकुमारी के लिए बात करें बिकॉज कन्याकुमारी भी जाना है तो फ्रॉम कन्याकुमारी चिपका रूट है विजाक के लिए और बाकी जगह के लिए ट्रेन है अवेलेबल है कि कन्याकुमारी और विजाक भी कनेक्ट हो जाए तो बीच में पुट कर सकते हैं सीवी के सीबी फ्रॉम चेन्नई टू विजाक टू कन्याकुमारी टू चेन्नई सॉरी टू सीवी के बीसी होगा लास्ट में ठीक है सीवी के बीसी फ्रॉम चेन्नई टू विजाग टू कन्याकुमारी टू भुवनेश्वर एंड देन लास्टली टू चेन्नई अब कन्याकुमारी से भुवनेश्वर का क्या सिनेरियो है ट्रेन है ट्रेन का ऑप्शन है तो बहुत कॉस्टली नहीं है तो सीवीके बीसी कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल केसेज इज सो अब इसका ऑपोजिट भी होगा यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है अगर ऑपोजिट भी जाएंगे ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि अगर हम एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट जाएं कि फ्रॉम चेन्नई टू भुवनेश्वर टू कन्याकुमारी टू विजाग टू चेन्नई दैट विल ऑल्सो द सेम कॉस्ट ज दैट क्लियर ठीक है सेकेंड पॉसिबल केस क्या हो सकता है और क्या पॉसिबल केस हो सकता है यहां पर hmm. पहले इसमें कॉस्ट निकाल लेते हैं देन वील सी फॉर एनी अदर ऑप्शन ठीक है तो सी वी के बी सी कितना होगा फ्रॉम चेन्नई टू विजाक वी विल बी गोइंग ट्रेन थ्री हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस फ्रॉम विजाक टू कन्याकुमारी so kannakumari to vizag distance is 250 route is shipping so 250 into 1.5 plus Kanyakumari to Bhuvaneshwar, that is via train 700 700 into 2.5 plus Bhuvaneshwar to chennai that is via ship distance is 950 so 950 into 1.5 so this is 1000 into 2.5 2500 ट्वेल्व हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फाइव इज एटीन हंड्रेड टू फाइव डबल जीरो प्लस वन एट डबल जीरो टोटल आ गया कॉस्ट हमारा फोर थ्री डबल जीरो दिस इज ऑब्वियसली मिनिमम मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई है तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है ठीक है क्लियर है ओके अदरवाइज वी वु ट्राइड कि चेन्नई से कन्याकुमारी एंड देन सी के वी बी सी और सी के बी वीसी ये भी और पॉसिबल रूट्स हो सकते थे हमारे तो इनके लिए हम कॉस्ट चेक करते बट क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले वाला केस जो लिया उसमें मिनिमम कॉस्ट हमारा आ गया तो क्वेश्चन हमारे लिए खत्म हो जाता है क्लियर है ओके और लॉजिक समझ में आया कि हमें यहां पे दो चीजें देखनी पड़ी फर्स्ट इज कि डिस्टेंस मिनिमम हो जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे कॉस्ट कम होगा और सेकेंडली कि जहां पे कि रूट में हमारा कॉस्ट पर किलोमीटर मिनिमम होगा वहां पे हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा और प्रेफरेबल क्या होगा कॉस्ट पर किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर एयरप्लेन कहीं पे होता तो फिर वहां पे तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा बाकी बस शिप और ट्रेन में कंपेरेबल है कंपेरेबल है तो अगर डिस्टेंस कहीं पे कम होगा तो वहां पे कॉस्ट हमारा तब भी कम होगा जब कॉस्ट तो पर किलोमीटर तो स्लाइटली हाईर रहेगा बट डिस्टेंस कम होगा तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कैन बी रीच्ड फ्रॉम भुवनेश्वर इन लीस्ट टाइम भुवनेश्वर से लीस्ट टाइम कब होगा जबकि जो हमारा स्पीड है दैट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल और डिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल स्पीड हाइएस्ट हो डिस्टेंस लोएस्ट हो सबसे अच्छा है तो भुवनेश्वर से चेन्नई जा रहे हैं वाया शिप कन्याकुमारी वाया ट्रेन कोची वाया एयरप्लेन मुंबई वाया बस विजाग वाया ट्रेन ठीक है अगेन आई वुड से कि ओरिजिन डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्डर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि भुवनेश्वर से चेन्नई जा रहे हो या चेन्नई से भुवनेश्वर जा रहे हो बात एक ही है ठीक है सो so, भुवनेश्वर से चेन्नई शिप है ट्रेन है एयरप्लेन है तो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा वाया कोची फॉर कोची है फॉर कोची है वो तो ऑप्शन में ही गिवन नहीं है ठीक है बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम बहुत ज्यादा हाई नहीं है एयरप्लेन का जो डिस्टेंस गिवन है इस क्वेश्चन में सिक्सटी किलोमीटर पर आ रही है बाकी की बात करें तो ट्रेन से वी आर गोइंग सेकेंड हाइस्ट है हमारा बस का बस से जा रहा है मुंबई तो सेवन जीरो वन बाई फोर्टी दैट विल बी ट्रेवल टाइम फॉर मुंबई और थर्ड हाइएस्ट है शिप का थर्टी किलोमीटर पर आर चेन्नई का नाइन फिफ्टी बाई थर्टी और बाकी तो शिप तो एक ही जगह है इसके बाद में फिर ट्रेन है ट्रेन का स्पीड इस ट्वेंटी फाइव कन्याकुमारी सेवन हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव तो डेफिनेटली करने कोई तो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्वियसली सेवन हंड्रेड वन बाई फोर्टी कर रहे हैं मुंबई के लिए so that will be much value 1002, के के तो दैट विल बी मच लेस अ वैल्यू और सेकेंड ट्रेन का वैल्यू आ रहा है फॉर विजाग विच इज अगेन वन थाउजेंड टू तो डज नॉट मेक सेंस वो भी आंसर नहीं हो सकता ए और सी के बीच में ऑप्शन आंसर होगा सी में आ रहा है अपना सेवन हंड्रेड वन बाई फोर्टी विच विल बी अप्रॉक्सिमेटली सेवनटीन सेवनटीन के आसपास की वैल्यू आएगी और दिस वैल्यू इज़ क्लियरली थर्टी के आसपास ठीक है डेफिनेटली यहाँ पे हमारा स्पीड इज हाई डिस्टेंस इज लो तो क्लियरली ऑप्शन सी आंसर होगा ओके okay? एयरप्लेन कहीं पे भी नहीं था तो स्पीड हमें बस का मिल रहा था मुंबई में और मुंबई का डिस्टेंस लोएस्ट है गिवन ऑप्शन में कन्याकुमारी और मुंबई ऑलमोस्ट कंपेरेबल है बट डिस्टेंस लोएस्ट मुंबई का है ठीक है सेकेंड लोएस्ट है बट सेवन जीरो वन सेवन डबल जीरो इज ऑलमोस्ट इक्वल और क्योंकि एयरप्लेन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो बिना चेक किए भी हम कह सकते थे कि मुंबई के लिए टाइम विल बी लोएस्ट इज दैट क्लियर ठीक है बिकॉज स्पीड वहां पे मैक्सिमम मिल रहा है हमको

फ्रॉम कोची टू विजैक टू फ्रॉम कोची इफ यू चेक तो कोची तो uh, तो से क्या कहानी बन रहा है कोची से शिप है फॉर चेन्नई एंड बस तो कहीं के लिए भी नहीं है फिर ट्रेन है फॉर कन्याकुमारी and मुंबई और डिस्टेंस वाइज देखें तो मुंबई का डिस्टेंस इज थ्री हंड्रेड ऑनली और चेन्नई शिप रूट इज अवेलेबल बट डिस्टेंस इज नाइन जीरो वन बट चेन्नई से फिर विज़ाक का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम चेन्नई टू विजैक डिस्टेंसेज थ्री हंड्रेड ओनली और रूट इज ट्रेन रूट इज ट्रेन सो दिस इज अ पॉसिबल सिनारियो और डायरेक्टली अगर कोची से विजैक जाते हैं तो क्या है तब तो एयरप्लेन का ऑप मोड है और सिक्स हंड्रेड है यानी कि कितना लगेगा सिक्स हंड्रेड इंटू फाइव थ्री थाउजेंड दिस विल भी थ्री थाउजेंड और टेक अ शिप फ्रॉम कोची टू चेन्नई कोची से चेन्नई शिप नाइन जीरो वन इंटू वन पॉइंट फाइव देन टेक ए ट्रेन टू विजैग टू थ्री हंड्रेड इन टू टू पॉइंट फाइव डेफिनेटली दिस इज लेसर देन ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा ये आ रहा है थर्टीन फिफ्टी प्लस सेवन फिफ्टी यानी कि टू वन डबल जीरो अप्रोसीमेटली आ रहा है एक्जैक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है Unless की कोई दूसरा ऑप्शन बहुत क्लोज आ जाए थर्ड ऑप्शन है हमारा टेक ए ट्रेन फ्रॉम कोची टू कन्याकुमारी कोची टू कन्याकुमारी वाया ट्रेन इलेवन हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव अकेले पहला वाला ही हमारा 1100 हंड्रेड टू पॉइंट फाइव ही ग्रेटर जीरो आ रहा है तो definitely तो आंसर नहीं होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी टेक ए ट्रेन फ्रॉम कोची टू मुंबई कोची टू मुंबई द डिस्टेंस इज थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस मुंबई से फ्लाइट लेना है विजैक का और मुंबई टू विजैक द डिस्टेंस इज फाइव हंड्रेड तो प्लस फाइव हंड्रेड इंटू अगेन ओनली दिस वैल्यू इज ग्रेटर जीरो तो ये भी आंसर नहीं ऑप्शन बी ही अपना है इज दैट क्लियर ठीक है तो क्लियर ऑप्शन बी विल बी आंसर इन दिस केस दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट ठीक है सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए क्या यह सेट समझ में आया किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट और अगर सेशन पसंद है तो उसका लाइक जरूर करना है अगर, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद य टेलीग्राम एट ए डी आई टी वाई ए केन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दट इज कैट एट एम बी That's all for this session. Bye bye. Take care.